और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। और फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी के बारे में। और फ्रेंड्स, जर्सी के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत महीनों से कोई भी अपडेट नहीं दी है, एंड जैसा आप सभी लोगों को पता है शूटिंग शुरू होने वाली है, तो यहाँ पे जर्सी भी 2020 की मच अवेटेड नहीं वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म्स में थी टू बैंग एट द बॉक्स ऑफिस। इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट था स्पेशली आफ्टर कबीर सिंह इस फिल्म का, तो इसकी अपडेट बनती है एंड आई हैव ह्यूज अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू आर एन शाहिद कपूर फैन, दिस एपिसोड इज अनमिसेबल। 14 दिसंबर 2019 को इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, 24 मार्च को इस फिल्म की शूटिंग जो है वो स्टॉप कर दी गई थी पैंडेमिक जो था उसके कारणवश। गौतम तिंदनूरी जो इसके डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि सेम स्टोरी रहेगी, इंडियन जो अडेप्टेशन रहेगा यानी कि नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए इस फिल्म को उन्होंने अडेप्ट किया गया है हिंदी में। मृणाल ठाकुर की शूटिंग खत्म हो चुकी है जो कि बीवी का रोल निभाने वाली है शाहिद कपूर का। पंकज कपूर इसमें शाहिद कपूर एक कोच बनते हुए दिखाई देंगे। अभी जो शूट बचा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम का शूट बचा है। 70% की फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है, 30% की शूटिंग बाकी है। मैसिव वीएफएक्स विल बी यूज फॉर दिस फिल्म। ये फिल्म 28 अगस्त 2020 को रिलीज होने वाली थी, अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म अभी पोस्टपोन हो चुकी है। अब ये फिल्म रिलीज होगी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। यस मेरा भाई, द फिल्म इज टारगेटिंग अ समर 2021 रिलीज, लेकिन कोई भी डेट या मंथ फिक्स नहीं हुआ है। तो अब इतनी यहां तक की कहानी आप सभी लोगों को मालूम थी, इसके आगे जो कहानी है वो मैंने सुनानी है। चलिए शुरू करते हैं। 28 डेज का शूट बाकी है, एग्जैक्टली 4 हफ्तों का शूट बाकी है। गौतम तिंदनूरी ने एक तेलुगु मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा है कि 28 दिनों की शूटिंग बाकी है मेरी फिल्म की, और ये जितनी भी शूटिंग है 28 दिनों की उसकी शूटिंग मैं चंडीगढ़ में एक स्टेडियम है वहां पर करने वाला हूं। लेकिन गाइज, कुछ सीन्स जो बचे हुए हैं जो कि इंडोर होंगे वो हम मुंबई में शूट करेंगे। मुझे ये सीन्स शूट करने के लिए तकरीबन 100 से 150 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन जो करंट रूल है गवर्नमेंट का, वहां आप 45 लोगों के ज्यादा क्रू लेकर सेट पर नहीं जा सकते हो, यानी कि यू नीड 45 क्रूज मिनिमम मैक्सिमम ऑन द सेट्स। उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, यानी कि मैं 100 लोगों का क्रू यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस शूट के लिए मल्टीपल कैमरा सेटअप एंड डिफरेंट एंगल्स चाहिए, क्योंकि ये सीन्स क्रिकेट के होंगे, तो इसलिए मुझे मल्टीपल कैमरा सेटअप्स एंड एंगल्स चाहिए जो कि मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जून एंड तक हम लोगों ने शूट स्टार्ट करने वाले थे, शाहिद कपूर ने भी हाँ बोल दिया था, लेकिन केसेस बढ़ रहे थे। डिस्पाइट दैट शाहिद ने हमको इंकरेज किया, उन्होंने हमारा मोराल बूस्ट किया, उन्होंने कहा चलो शूट करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन हम लोग 45 लोगों में चाहकर भी शूटिंग शुरू नहीं कर सकते। तो अब हम अनलॉक 3 यानी कि 31 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं, जहां पर गवर्नमेंट न्यू रेगुलेशंस लाएगी कि 45 के ऊपर के लोग के साथ भी आप शूट कर सकते हो। उसके बाद अगस्त में हम शूट की प्रिपेरेशन शुरू करेंगे, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। इसी दौरान गौतम तिंदनूरी जो फिल्म के डायरेक्टर, उन्होंने कहा है कि इस फिल्म के एडिट पे मैंने पूर्ण तरीके से काम कर लिया है, जितनी फिल्म शूट हुई है उतनी एडिट हो चुकी है, लेकिन अभी शूट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एटलीस्ट मिनिमम 4 हफ्ते की प्रिपेरेशन लगेगी। क्रू को 4 हफ्ता लगेगा, शाहिद कपूर को मिनिमम 2 हफ्ते लगेंगे, यानी कि ये फिल्म अब सितंबर के महीने में फ्लोर्स पर जाएगी। शाहिद कपूर के जो कोच है राजीव मेहरा, जो कि उनको ट्रेन कर रहे हैं इस फिल्म के लिए, उन्होंने कहा है कि शाहिद कपूर को वापस से अपने फ्लो में आने के लिए, वो एक बैट्समैन का रोल निभा रहे हैं इस फिल्म में, उनको मिनिमम 2 हफ्ते की ट्रेनिंग फिर से करनी पड़ेगी। उनका शॉट, उनका फॉर्म, उसका एक्शन जो बैट्समैन का है, वो सब वापस से सीखना पड़ेगा उनको। लेकिन उन्होंने कहा है शाहिद इज अ गुड क्रिकेटर, वो फटाफट वापस से सीख लेंगे। गौतम तिंदनूरी ने कहा है हम 24 मार्च को जिस शॉट पे रुके थे वहीं से मुझे फिल्म वापस से स्टार्ट करनी, यानी कि लुक वाइज बैटिंग वाइज शाहिद कपूर शुड लुक द सेम, यानी कि फिल्म की जो कंटिन्यूटी हम कहते हैं वो वहीं से शुरू करने का हमारा प्लान है। सो गाइज, शाहिद कपूर का 30% बाकी है शूट का, आई थिंक ये साल खत्म होते होते फिल्म की शूट खत्म हो जाएगी, वीएफएक्स हो जाएगा। ये फिल्म जून से पहले रिलीज होगी 2021 में, साइंड सील्ड एंड डन। ओके, जितने भी शाइनेटिक्स है ये सब आपके लिए अपडेट है, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। इस मैं साहब साइनिंग ऑफ, यू गॉट सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।